समाज ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जाति को प्रमाण पत्र दिए जाने की बात कही है। धनगर समाज को अनुसूचित जाति में लिया जाए और प्रमाण पत्र जारी किए जाए। पेश है रिपोर्ट। धनगर समाज को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाए, इसकी मांग को लेकर आज समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि धनगर समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करते हुए उन्हें जाति प्रमाण पत्र दिए जाएं। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों के साथ साथ समाज के कई सामान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। कर्मचारी ने कमाई, क्या धनगर की बात करेगा? भंवर सिंह धनगर एडवोकेट हूँ और प्रदेश महासचिव हूँ धनगर महासभा का। हमारी जो जाति धनगर है वो पशु चराने वाली जाति होती है, जो गड़रिया की उपजाति धनगर है और एससी की जाति में आता है। संविधान शिल्पियों ने उसे एससी की जाति में रखा है। तब से प्रमाण पत्र जारी होते रहे और मिलते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में दांगड़ वांगड़ करी, कुछ सरकारों ने, हम लोगों को मिसगार्ड कर दिया। फिर हम लोग आयोग गए और हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से जीत के आए, आयोग से जीत के आए। 24 अक्टूबर 2013 को अखिलेश सरकार ने शासनादेश किया, उसके तहत हमारे प्रमाण पत्र बनाए गए, बने थे, बाद में फिर रोक दिया गया। 3 बार इसमें भी आदेश हो गया योगी सरकार में, लेकिन हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। कुछ जगह हमारे कुछ स्थानों पर सीतापुर, ललितपुर, गाजीपुर, उधर प्रमाण पत्र बन गए, लेकिन फिरोजाबाद जिले में हमारे कैबिनेट मंत्री धनगर जाति के होते हुए और जिला पंचायत प्रधान होते हुए हमारे प्रमाण पत्र नहीं जगत किए जा रहे हैं। अगर हमारे और हमने आज ज्ञापन दे दिया EDM साहब को, अगर हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनते तो 18 मार्च से लेकर 21 मार्च तक हम कानपुर से लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे और लखनऊ में घेराव करेंगे योगी जी का। जब तक प्रमाण पत्र नहीं बन जाते तब तक चैन कहां से नहीं। इस तरह का आंदोलन फिरोजाबाद में ही और भी जिलों में, हर जिले में चल रहा है। हम ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं बनते हैं तो 18 मार्च से हम लोग संघर्ष जा रहा है। और जो आंशिक रूप से सफलता में नहीं थी वो आज 50-60% सफलता मिल चुकी है। हमारे अध्यक्ष जी के संघर्ष के कारण प्रदेश के प्रत्येक जिले में धनगर जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में थोड़ी नीरसता थी, जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों द्वारा किस राजनैतिक कारणों के कारण तो हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी किए नहीं किए जा रहे हैं। इस कारण हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के